निशा, तुमने सुना है क्या? हमारे गांव में एक नया लकड़हारा आया है। कहते हैं कि उसका काम पूरे मैदान को बदल रहा है। सच? कैसे एक लकड़हारा मात्र कटने से कुछ बदलता है? बेशक, इस लकड़हारे में कुछ खास बात है। उसका तरीका अलग है। वो सिर्फ पेड़ काट रहा नहीं है, वो नए पेड़ बो रहा है और हमारे गांव को हरित बना रहा है। यह तो दिलचस्प है। उसकी कहानी क्या है? सुना है उसका नाम राहुल है। एक युवक है और उसने यह विचार किया है कि वह केवल प्राकृतिक संसाधनों से केवल लेगा ही नहीं बल्कि उन्हें वापस देना भी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को वापस देना, यह तो अद्वितीय है। ज्यादातर लकड़हारे तो बस लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, राहुल पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा है। वो सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, वो हमारे पर्यावरण का संरक्षक बन गया है। यह तो बहुत दिलचस्प है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन कैसे ला सकता है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हमें मिलना चाहिए, शायद हम उसके काम में मदद कर सकते हैं या कम से कम उससे कुछ सीख सकते हैं। मैं भी शामिल हूँ। मुझे देखना है कि लकड़ी काटने से कैसा अच्छा हो सकता है। चलो, हम कल जंगल जाकर मिलते हैं। हम राहुल से मिलकर उसकी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अगले दिन चार दोस्त जंगल गए जहां राहुल काम करता था। वहां उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक पेड़ों का चयन करते हुए, बोते हुए और काटने और संरक्षण के बीच संतुलन को बनाए रखने का तरीका देखा। राहुल, हमने तुम्हारे अनूठे तरीके के बारे में सुना है। क्या तुम हमें इसके बारे में और बता सकते हो? ए गांव वालों, अच्छा है कि तुम लोग देखने के लिए आए हो। देखो, एक लकड़हारा होना ये तो नहीं मतलब है कि हमें पर्यावरण को हानि पहुंचानी चाहिए। मैं विवेकपूर्ण विधि का पालन करने में विश्वास रखता हूँ। हर पेड़ की कटाई के लिए मैं दो और पेड़ बोता हूँ। यह उस प्राकृतिक संसाधन को लेने और देने का संतुलन है। बहुत शानदार। फिर भी इतने लकड़हारे तुम्हारे तरीके का पालन क्यों नहीं करते? यह एक मानसिकता का परिवर्तन है। बहुतों का ध्यान तुरंत लाभों पर होता है बिना भविष्य की चिंता किए। मैं दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहता हूँ और उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि हम प्रकृति के साथ सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों ने पूरे दिन राहुल की मदद करते हुए सप्लिंग्स बोते और मानव आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच सूक्ष्म संतुलन को समझा। समय के साथ गांव हरित और अधिक सुस्तर समुदाय में बदल गया। दोस्त राहुल के मिशन से प्रेरित होकर पड़ोसी गांवों में जागरूकता फैलाने लगे और जल्दी ही यह गतिविधि दूर दूर तक पहुंच गई। राहुल लकड़हारा की कहानी क्षेत्र में एक किस्सा बन गया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बन गया।